पर पीलीभीत से जहां पर एक बस स्कूल के पास खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन्हें फौरन CHC में भर्ती कराया गया। बाद में कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बस देहरादून से निघासन सवारी लेकर जा रही थी और जैसे ही वो पूरनपुर इलाके में पहुंची, वहां पर पहले से ही खड़े कंटेनर बस की टक्कर हो गई। बस में तकरीबन 70 यात्री सवार थे। सभी घायलों को फौरन जिला अस्पताल रेफर किया गया। उधर मथुरा में ट्रक और बस की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस सवार 40 श्रद्धालु वृंदावन से दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे। थाना जमुना पार इलाके के अजय नगर के पास यह हादसा हुआ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आदेश के मुताबिक सभी जानकारी दी गई है। ये SBI की तरफ से कहा गया है, चुनाव आयोग को सभी जानकारियां मुहैया करवाई गई हैं। SBI ने इस बात का भी जिक्र किया, बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी सौंपी गई है। अपने हलफनामे में SBI ने यह भी बताया। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में युवक की मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक 2 साल से पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा था। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक फैक्ट्री मालिक उसे 2 साल से सैलरी नहीं दे रहा था। थाना गजरौला इलाके की घटना है। बदायूं में शराब के नशे में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। फावड़े से गला काट कर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला नगरीय खन्नू गांव का है। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। आगरा रेल मंडल ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की है। आगरा कैंट पर टिकट काउंटर पर QR कोड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया। अब यात्री टिकट खरीदते वक्त डिस्प्ले पर किराया देकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिली है। बहुत फ़ायदा है, लेकिन कैश लाने में बहुत एक बार बहुत मुश्किल होता है। क्यों बोले तो ट्रैवलिंग में बहुत जना रहता, कैश हमारे पास लगाने में बहुत दिक्कत होता, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट इतना रेलवे वाले लाने से बहुत बहुत सारे फायदा होता है। क्या रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द उठेंगे कुछ और खबरों के साथ।